दिल्ली से, जहां दिल्ली सरकार ने एक SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है स्कूलों में कोविड संक्रमण रोकने के लिए। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू किया गया है, सभी स्कूलों को SOP का पालन करना जरूरी। स्कूलों में एक क्वारंटीन रूम होना जरूरी है। लंच और किताबें छात्र और छात्राएं कोई भी बच्चा, कोई भी अध्यापक, कोई भी स्कूल का कर्मी स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकता है। जो वहाँ के छात्र और छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी रोजाना हेल्थ की मॉनिटरिंग की जाएगी और ये जरूरी है। जितने अध्यापक अध्यापिकाएं स्कूलों में हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। स्कूल जब खुलेगा और जब स्कूल से छुट्टी होगी तो उस वक्त भीड़ ना होनी दी जाए, बल्कि चरणबद्ध तरीके से, कतारबद्ध तरीके से बच्चों को अंदर लाया जाए और बच्चों को उसी तरीके से बाहर निकाला जाए। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना बहुत जरूरी है। ये स्कूलों के लिए एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, क्योंकि कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। चौथी लहर ना आ पाए, सभी लोग सुरक्षित रहे, इसी को लेकर के ये गाइडलाइंस जारी की गई है, जिनका पालन करना अब सभी स्कूलों के लिए, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, उनके लिए बेहद जरूरी कर दिया गया है।